आज मैं चल रही हूँ कुछ बेगर गैस जलाए हुए दही बड़े बनाने के लिए, और ये जो कुछ आलू बॉईल कर रहे हैं उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बनाना है दही बड़े। ये आलू मैंने बॉईल करके कद्दूकस लिया है, और ये इसमें जाएगा थोड़ा कुटी हुई मिर्च, ये कुटी हुई मिर्च जाएगी स्वाद अनुसार, और ये जाएगा थोड़ा, ये मैंने थोड़ा लहसुन वगैरह है, और ये स्वाद अनुसार हो गया नमक, और इसको में कुछ भी नहीं मिलाना है, फ्लेवर के लिए इतना ही बहुत है। और बड़े दही बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनेंगे, इस प्रकार से देखना मैं कैसे बनाती हूँ, अभी बता रही हूँ किस तरीके से, देखते रहो और पूरी वीडियो देखो, जब भी आप लोगों को समझ में आएगी, थोड़ी वीडियो देखने से बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस प्रकार से देखना हमारा पूरा मिक्सर हो गया है तैयार, पूरा अच्छा मिक्स हो चुका है, ये बिल्कुल ही परफेक्ट तैयार हो चुका है। और इसको मुझे क्या करना है, थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगाना है ताकि चिपके नहीं, थोड़ा सा तेल लगा करके, और इसको अब सेफ देना है, इस प्रकार से बिल्कुल ही गोला गोला करना है। ये देखना अच्छे बड़े बनाऊंगी, थोड़ा जो खाने में देखने में अच्छे लगे, इसको इसी प्रकार से मुझको और भी बनाने हैं, ये एक साइज के ही रखूंगी, ज़्यादा छोटे बड़े नहीं करना है, और ये लोहे के जैसे गोल गोल कर लेना है, लड्डू जैसे जैसे लड्डू बनाते हैं उसी प्रकार से मुझको सारे बनाने हैं, ये प्रकार से सारे किसी प्रकार से भी सेव दे दें, मतलब गोला तो गोला ही बनाना है, और ये इससे ये हो गया ठीक है। इसको इस प्रकार से चाहे जैसे भी बनाओ, गोला ही तो गोला बनाना है, बिल्कुल सेप देना है लड्डू जैसे। ये सारे तैयार हो चुके हैं, मैं अब चल रही हूँ मसाला तैयार करने के लिए, अब मैं चल रही हूँ मसाला बनाने के लिए। ये हो गया लाल मिर्च पाउडर कुटी हुई, और ये हो गया काला नमक टेस्ट के अनुसार, और ये हो गया हमारा आमचूर खट्टा वाला, और जीरा पाउडर बहुत ज़रूरी है, इससे ज़्यादा टेस्ट आएगा इसमें मसाले में, बस इतना ही जाएगा। उसको मिक्स करके एक साइड को रख रही हूँ, ये मसाला हमारा परफेक्ट तैयार हो चुका है। मसाला बनाना बहुत ही ऑप्शन ज़रूरी है इसका, घर का ही बनाया हुआ डाला जाएगा, बाज़ार से नहीं होगा कुछ भी, ये घर का ही, घर के सामान से रसोई से ही निकल जाता है इतना मसाला घर में। ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है, इसको हटा रही हूँ, फिर चल रही हूँ, ब्रेड ले ली है मैंने, और इसको एक एक साइड से ये साइड हटाने हैं मेरे को, ये महीन महीन ये करके मुझको साइड हटाने हैं, इस प्रकार से ये साइड हट गए, इसको इसी प्रकार से सारे साइड मुझको हटाने हैं। ये मैंने लिया है करीब 300 ग्राम है, घर का बनाया हुआ है, थोड़ा पानी वाला दही है, कोई बात नहीं पानी वाला ही चलेगा, और ये स्वाद अनुसार इसमें नमक जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। इसको मुझे थोड़ा पतला करना है, इसको चम्मच की मदद से मैं पतला कर लेती हूँ, पतला करने से परफेक्ट लगेगा दही बल्ला, और दही बल्लों में ज़्यादा पतला भी नहीं चलेगा ना ज़्यादा गाढ़ा चलेगा, मीडियम रखना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं थोड़ा पतला कर रही हूँ, ये दही मैंने फेट लिया है, देखना इतनी ही क्वांटिटी रखनी है इसकी, इतना ही पतला रहेगा और ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस इसको साइड में रख रही हूँ। और अब चल रही हूँ इसको बड़े बनाने के लिए, मैंने ये ब्रेड ली है, हल्का सा पानी में डिप करके हल्का सा इसको पानी निचोड़ना है, ये सारा पानी निचोड़ दूंगी, बिल्कुल पानी निचोड़ना है, बिल्कुल नहीं रखना है थोड़ा सा भी, और इसी में ये जाएगा ये हमारा आलू का गुल्ला, और ये इस प्रकार से मुझको लपेट देना है पूरा, बिल्कुल ही गोले का साइज करना है,
मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल ही गोला कर कर के ये पूरा परफेक्ट दही बड़ा हमारा तैयार हो चुका है। ये अब मैं इसको सजा रही हूँ थाली में, ये इस प्रकार से मुझको, फिर देख दोबारा दिखा रही हूँ। ब्रेड को हल्का सा पानी डिप करके और सारा पानी निचोड़ देना है, बिल्कुल नहीं रखना है ये बिल्कुल। और ये नमक वाला पानी है हल्का, इसमें नमक भी डाला है मैंने। और अगर बनाओ आप लोग तो ऐसे ही इसी प्रकार से बनाओ जैसे मैं बना रही हूँ, और इसको पूरा इसमें लपेट देना है, बिल्कुल ही परफेक्ट लपेट जाएगा ये इस प्रकार से। ये सब चिपक गया पूरा, और ये बगैर गैस जलाए हुए बड़ा हमारा तैयार हो गया है परफेक्ट। ये दूसरा भी आ गया लगभग। ये दही बड़े मैंने कर लिया ओके, और मैं अब चल रही हूँ इस पर दही गेरने के लिए। ये पूरा डुबाना है, यानी पूरा अच्छी तरीके से। दही बड़े का नाम ही क्या है कि दही से भरा ना हो पूरा बल्ला। ये देखिए कितना अच्छा परफेक्ट तैयार अच्छा लगेगा, ये बिल्कुल ही पूरा भरा होना चाहिए, बिल्कुल कहीं भी नहीं दिखे कि इसमें ये बल्ले बने किस प्रकार से हैं। जो खाओगे एक बार बना करके बार बार बनाने की कोशिश करें, खिलाएं बच्चों को। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये हरी चटनी हो गई थोड़ी सी, ये इस प्रकार से चटनी घेर दें। थोड़ी चटनी की भी ज़रूरत है, चटनी के बगैर तो मज़ा बेकार। और जो मैंने ये मसाला बनाया था ना बल्लों का, दही बल्लों का, तो इसको थोड़ा थोड़ा छिड़कना है, और इसको छिड़कना बहुत ऑप्शन है ज़रूरी, इसके बगैर भी मज़ा नहीं आने को। और ये बहुत ही अच्छा लगेगा टेस्ट, इससे बहुत ही अच्छा, बिल्कुल ही यही सोचोगे कि ये दाल के बल्ले बने हुए हैं, पर मैंने ये बल्ले बनाए हैं आलू से। और ये इसमें अब जाएगी ये मीठी चटनी, ये लगभग इस प्रकार से रख रही हूँ थोड़ा, ये इस प्रकार से डेकोरेट कर रही हूँ। और आप खाएं पिए एंजॉय करें, वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें। मैं एक आपको काट के दिखा रही हूँ कितना मुलायम और सॉफ्ट, बहुत ही लाजवाब है। और खाएं पिए एंजॉय करें, लाइक करें।